पिछली वीडियो में हम हेडर, फुटर और साइड बार को लाए थे। तो ये रहा हमारा साइड बार, ये रहा हेडर और नीचे की और फुटर में कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये जो डीव टैग है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो ये हाईलाइट हो रहा है मींस कि ये कोई गलत है, ये कोई कोड यहाँ पर, ये कोई डीव हमारा स्टार्ट होना रह गया है। तो एक बार हम हमारे टेम्पलेट में जाके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डीव रैपर और डीव रैपर के नीचे हेडर। तो डीव रैपर को हमने स्टार्ट किया था और डीव रैपर को हमने यहाँ पर एंड भी किया हुआ है। तो ये डीव है वो डीव रैपर का है। अब हमें ये खोजना है कि ये डीव कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ये डीव रैपर फिर नीचे की और ये है हेडर। तो हेडर तो क्लोज हो गया है, फिर ये स्टार्ट हो रहा है साइड बार। तो ये साइड बार भी क्लोज हो रहा है और साइड बार के बाद एक डीव है पेज रैपर, और पेज रैपर के अंदर ही फुटर है। तो ये फुटर भी है डीव रैपर के अंदर है। तो ये जो डीव रैपर का टैग, ये जो डीव टैग है उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम उसको कॉपी करेंगे। तो ये डीव को हम कॉपी करेंगे और फुटर को, फुटर के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा फुटर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें हमारा फुटर मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम सबसे पहले फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो ये लोगो नहीं आ रहा है, तो लोगो को हमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लोगो को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो असेट्स या जो भी चीज़ें आ रही है वो सारी स्टेटिक फोल्डर से आ रही है। तो जिस तरीके से हमने CSS और JavaScript में लिंक दी थी, इस तरीके से हमें ये इमेजेस के आगे भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटिक और इसको यहाँ पर करेंगे एंड। फिर ये इमेज को भी हम लाएंगे। और इसको भी करेंगे हम एंड। तो ये हमारा लोगो आ गया। अब ये सारा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बेस फाइल बहुत, इसका कोड है बहुत सारा बढ़ गया है। तो अगर मुझे यहाँ पर चेंजेस करना है तो उसको मुझे बार बार ढूंढना पड़ेगा और फिर मैं उसको चेंज करूँगा। अगर मुझे नेविगेशन बार में कोई, यहाँ पर अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो मुझे उसको भी बार बार खोजना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बार बार ना खोजना पड़े, इसलिए हम इसकी सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम एक और फोल्डर टेम्पलेट्स के अंदर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे इंक्लूड्स। तो इसका नाम हमने लिख दिया इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स के अंदर हम यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये हेडर है, फुटर है और ये साइड बार है। तो चलिए हम इसको, इसकी फाइल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें HTML फाइल को क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हेडर, header.html, फिर है footer.html, और तीसरी है sidebar.html, जिससे ये तीनों चीज़ें का जो कोड है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का, ये तीनों चीज़ों की HTML फाइल हमने क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले ऊपर की ओर है header। तो हेडर के अंदर हमें हेडर के कोड को पेस्ट कर देना है। तो ये रही हमारी बेस फाइल और सबसे पहले हम हेडर के कोड को खोजेंगे। तो ये रहा हमारा हेडर का कोड। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है हमारा हेडर। तो ये सारा कोड को हमें यहाँ से कट करना है और यहाँ पर ये जो header.html फाइल हमने क्रिएट की वहाँ पर जाके उसको कर देना है पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पर हमें एक लाइन का कोड लिखना है, हमें यहाँ पर उसको इंक्लूड कराना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड, फिर यहाँ पर उसका पाथ देंगे। तो ये जो फाइल है वो हमारी इंक्लूड्स के अंदर है, INCLUDES इंक्लूड्स / यहाँ पर क्या था, तो हेडर था, header.html। तो यहाँ पर लिखेंगे header.html। आपको सिर्फ इतना लाइन को कोड लिखना है जिससे आपका जो हेडर है वो यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने ये कोड लिखा तो कि यहाँ पर
स्टैटिक लोड। ओके, तो ये जो हमने हेडर में हेडर की अलग फाइल क्रिएट की थी, तो हमें यहाँ पर भी स्टैटिक फोल्डर को लोड कराना होगा, तो यहाँ पर भी उसे लोड करा देते हैं। तो ये हमने लोड करा दिया, अब ये एरर हमारी चली जानी चाहिए। तो ये कोड तो हमारे बेस फाइल में है नहीं, तब भी हेडर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हेडर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम ये साइड बार कोड को हम साइड बार डॉट एच टी एम एल भी डालेंगे। तो ये रहा हमारा साइड बार, तो यहाँ से उसको करेंगे कॉपी। तो यहाँ तक है साइड बार, तो इसको किया कॉपी, और ये रहा साइड बार डॉट एच टी एम एल, इसमें कर दिया पेस्ट। और ये रहा यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर है साइड बार डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर हमारा साइड बार भी हमें मिलना चाहिए, तो मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये साइड बार भी हमें मिल रहा है। अब बारी है फूटर की, तो फूटर को भी हम इस तरीके से फूटर वाले जो फूटर डॉट एच टी एम एल है वहाँ पर उसको डालेंगे, और यहाँ पर उसको कराएंगे इंक्लूड। तो ये फूटर, तो फूटर के कोड को हमने किया कट, और यहाँ जाके कर दिया उसको पेस्ट। और ये जो बेस फाइल है यहाँ पर हम उसको कराएंगे इंक्लूड। फूटर डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पर हमारा फूटर भी आ जाएगा। तो ये हमारा फूटर भी आ गया, तो जो हमारी बेस फाइल थी वो कितनी शॉर्ट हो गई। और अगर हमें कहीं हेडर में चेंजेस करना है, तो हमें सिंपली ये हेडर डॉट एच टी एम एल को ओपन करना है, और उसमें हम चेंजेस कर लेंगे। अगर हमें साइड बार में कोई चेंजेस करना है, तो हम साइड बार डॉट एच टी एम एल को ओपन करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंक्लूड का यूज़ करके हम कई सारे फोल्डर या जो एच टी एम एल फाइल है उसको यहाँ पर इंक्लूड करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।